नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मैंने एक जमीन का रजिस्ट्री कराया और मेरे जमीन रजिस्ट्री के बाद किसी अन्य व्यक्ति ने पहले के डेट में उसी जमीन का रजिस्ट्री करा लिया है, मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, तो हम क्या करें। दोस्तों इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक जमीन की रजिस्ट्री कराया है और रजिस्ट्री कराने के बाद जो है किसी अन्य व्यक्ति ने उसी जमीन का मेरे रजिस्ट्री डेट से पहले के रजिस्ट्री डेट में वो रजिस्ट्री करवाया है, मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, तो अब हम परेशान है, क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए जो है कुछ पॉइंट्स हैं, उसे आप अच्छी तरह समझेंगे। पहला तो ये है कि यदि आप जिस समय रजिस्ट्री कराए उस डेट से पहले का उनका रजिस्ट्री पेपर दिखा रहा है और आप कह रहे हैं कि फ्रॉड है, फ्रॉड तरीके से वो कराया है, तो आपको उसमें साबित करना होगा कि किस रूप में कैसे फ्रॉड है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रॉड नहीं हो सकता है, होने वाला नहीं है। वहां पर जो है अभी क्या समय क्या है कि ऑनलाइन की प्रक्रिया सब कुछ हो गया है, चाहे वो गवाह हो, पहचान करता हो, आंखों का भी स्कैन होता है, अंगूठा लगता है, तो डेट टाइम सब मेंशन किया जाता है, ठीक है, तो नहीं हो सकता है। हाँ, इससे पूर्व बहुत दिन पहले की बात करें तो ऐसा हुआ होगा, हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब तो ये आपको क्लियर पता करना पड़ेगा कि वो फ्रॉड है तो कैसे है, साबित करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपको ऐसा लग रहा है तो आप जमीन रजिस्ट्री कराएं तो आप जो है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दीजिए। दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे और साथ में एक आप आपत्ति भी लगा देंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन वो आपत्ति आप अंचल में लगा सकते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में लगा सकते हैं, और एक प्रति डायरेक्टली जो राजस्व कर्मचारी हैं उन्हें आप दे सकते हैं कि इस जमीन को रजिस्ट्री मैंने कराया था इस डेट में और मेरे साथ कोई अन्य व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, पहले के डेट में रजिस्ट्री करवा लिया है फ्रॉड तरीके से, कैसे किया नहीं किया मुझे नहीं पता है, लेकिन ये फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, तो इनका दाखिल खारिज ना हो, इस टाइप से आपको आपत्ति लगाना पड़ेगा, तब जाकर जो है आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, ठीक है। और जब दाखिल खारिज हो गया, रजिस्ट्री पेपर आपके पास है, तो उस जमीन पर आप दखल कब्जा बना दीजिए, किसी न किसी रूप में कब्जा कर लीजिए उस पर, तो फिर जो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये स्टेप आपको अपनाना पड़ेगा, तब आप सही तरीके से उसे अपना पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।